दोस्तों एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे बिजनेसमैन जो हर मतलब पिछले साल एक एक दिन 20 करोड़ रुपए मतलब लोगों को डोनेशन में देते हैं, और अगर 5 दिन 20 करोड़ तो कितना होता है 100 करोड़। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी नेटवर्क है, फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा सफलता पाई कि वो अभी इतना डोनेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बड़े शख्सियत के नाम क्या है हम लोग जानते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि पूरा इंडिया है उसको 3 चीज़ों से कवर कर दो, 3 चीज़ों का वल्गन बना दो। हम्बलनेस, इधर हम्बलनेस गुजरात उड़ीसा ये सब जगह हम्बलनेस, फिर इसके बाद हाई इंटीग्रिटी इधर, और फिर इसके बाद इधर है रोल मॉडल। इन सब तीनों को ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल ऐसा होता है ना डा डा, तो फिर इसमें ट्राइंगल बना दो, इसमें आएगा पक्का पक्का रतन टाटा आएंगे, नारायण मूर्ति आएंगे पक्का। पर इसमें एक और जने हैं जिन्होंने बहुत ही सक्सेस कर इतना स्ट्रगल पार कर, इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेकर, इतना सक्सेस एंटरप्रेन्योर रिस्क पावर लेकर, उन्होंने ऐसे आदमी का नाम, ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे बिग बिजनेसमैन का नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है अजीम प्रेम जी। आप सोचोगे ये कौन है? ये भी रतन टाटा जितना ही है, पर इनको डाला नहीं जाता सबसे अमीर लोगों में, क्योंकि ये डोनेशन ज़्यादा करते हैं। रतन टाटा की कितनी बड़ी नेटवर्क, पर वो डोनेशन करते हैं इसलिए उनकी नेटवर्क ज़्यादा आती नहीं है अंडर 10 में, है ना। तो पर अजीम प्रेम जी कौन सी कंपनी के सीईओ है या फाउंडर है? वो है तीन बड़े आईटी जायंट्स बताओ मुझे इंडिया के, TCS, इंफोसिस और विप्रो। विप्रो के सीईओ है अजीम प्रेम जी। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं अजीम प्रेम जी के बारे में। तो दोस्तों अजीम प्रेम जी का जो बर्थ है वो हुआ था 1940 को, जो आज़ादी से पहले हुआ। आज़ादी से पहले मतलब कि वो अभी बहुत मतलब नरेंद्र मोदी से भी बड़े होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बाद में पैदा हुए आज़ादी के, ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो वो इनको सोचते थे, मतलब कभी भी उनके माइंड में ऐसा आता था या फिर उनके साथ घटना होती थी कि बहुत हार्ड घटना हो जाती थी उनके साथ, जैसे कि वो स्टैनफोर्ड आपने सुनी होगी, सेकेंड लार्जेस्ट कॉलेज है वर्ल्ड में, हार्वर्ड के बाद स्टैनफोर्ड आता है। स्टैनफोर्ड है US कैलिफोर्निया के अंदर। तो फिर उधर वो इंजीनियरिंग करने गए, टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं IT, ठीक है, और फिर IT बोलते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो फिर उनके जो पापा थे मोहम्मद प्रेम जी जो थे उनके फादर, तो फिर वो एक सोप और तेल का बिजनेस करते, सफोला ऑयल का, जैसे कि आप अभी देखते हो ना सफोला ऑयल, क्या मज़ा आ रहा है। तो ऐसा एक मतलब सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन करते थे वो, और सोप का, और बहुत सारी ग्रॉसरी आइटम्स का करते थे, जैसे चावल, ऐसी सब चीज़ें का प्रोडक्शन करते करते थे कि कंपनी 1 मिलियन की बन गई थी उस टाइम में। 1 मिलियन बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, 1 मिलियन की कंपनी बनी। पर एक दुखद खबर आई कि उनके जो फादर है वो उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस आना पड़ा। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते ही वो जो है धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, मतलब उनका बिजनेस उनको संभालना पड़ा। पर उनने तेल और साबुन का बिजनेस बहुत अच्छी तरह करा, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजीज थी, तो वो धीरे धीरे करने लगे। फिर इसके बाद 1961 जब वो 1940 में पैदा हुए थे, हाँ 21 ईयर्स के थे वो थे, तो फिर जब एक बोर्ड मीटिंग हुई थी तो बोर्ड मीटिंग में ये बोला था अजीम प्रेम जी को अभी को फाउंडर नहीं बनाना चाहिए, मतलब को फाउंडर नहीं चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं तो उनको नहीं बनाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो गए और फिर अपने को लॉक कर दिया, और फिर सोचा कि मैं कैसे करूं, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना करने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों उसके बाद हुआ कि वो धीरे धीरे करने लगे, और फिर उसके बाद मतलब गुजरात गवर्नमेंट नहीं, पूरे
1970s के अंदर, 1970 मतलब मालूम है ना, या बताऊँ, 52 ईयर्स पहले की बात है 1970 के अंदर। तो 52 ईयर्स पहले की बात है, तो फिर उसमें क्या था कि 1970s के अंदर इंडियन गवर्नमेंट लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी सॉफ्टवेयर्स थी। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे दो ही सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, एंड्रॉयड iOS आपने सुना होगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं, तो सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स खरीदती थी, ये समझ गए। इसके बाद क्या है कि इसमें तीन कंपनी ज़्यादा मेजर करती थी, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती थी 100%। फर्स्ट IBM, जो आपने सुना ही होगा, इंडियन CEOs का सुना होगा, वो अमेरिकन कंपनी है। फिर उसके बाद कौन सी कंपनी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, अभी आपने सुनी नहीं होगी पर एक कंपनी है आपने सुनी होगी। इसके बाद मोटरोला कंपनी सुनी होगी, उस वक्त भारी भारी मोबाइल आती थी मोटरोला, वो कंप्यूटर्स भी बनाती थी। तो ये तीन कंपनीज थी जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन देती थी हमारी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के अंदर सारे कंप्यूटर्स, आईटी सॉफ्टवेयर्स, आईटी मोबाइल्स, आईटी एंड्रॉयड, iOS, सारी चीज़ें ज़्यादातर यही करते थे। तो फिर उसके बाद IBM के साथ इंडियन गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया, वो चला गया बोरिया बिस्तर बहाना, चला गया US। और फिर इसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उनका भी झगड़ा हुआ, बोरिया बिस्तर बहाना, चला गए। और फिर उसके बाद जो मोटरोला थी उसका यह नहीं था, उसका याद कि वो धीरे धीरे जो थी वो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कर रही थी, पर वो चाहते थे प्राइवेटाइजेशन बढ़े और लिबरलाइजेशन ख़त्म हो। तो फिर उनको किसी भी ना वजह से मोटरोला का भी बेच दिया, बाय बाय टाटा शूट टू मारो ऐसा बेच दिया। फिर विप्रो ने अच्छी तरह उस चीज़ का फ़ायदा उठाया खुद के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने आईटी सॉफ्टवेयर्स, आईटी कंपनी चालू करी, वो कंप्यूटर्स बनाती और वो इंडिया में बहुत सारा 60% कंट्रीब्यूशन देती है इंडियन सॉफ्टवेयर्स और इंडियन कंप्यूटर्स इंपोर्ट का, और वो एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब एक्सपोर्ट भी करती है। जैसे कि पर विप्रो जो है वो थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर, पर तीन मेजर कंपनी है, फर्स्ट TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, आपने सुना ही होगा। फिर उसके बाद दूसरा कौन है, विप्रो। तो ये तीन की लेन बन चुके, ऐसे लेन बन चुकी। तो दोस्तों जो विप्रो के फाउंडर है जिनका नाम है अजीम प्रेम जी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखे, पर उनकी स्ट्रगल के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे उनके पेरेंटिंग के बारे में, नहीं पेरेंटिंग के बारे में नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में कि वो उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को कैसे कैसे देख कर बनाया। तो उन्होंने IT इंस्ट्रूमेंट चालू करे, अब वो धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर वो अभी 60% मार्केट कैप करते हैं, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं सारे के सारे, जो भी गुड्स नहीं मतलब जो भी IT सॉफ्टवेयर्स, IT कंप्यूटर्स। पर दोस्तों उनके IT सॉफ्टवेयर और IT कंप्यूटर्स नहीं है, उनके बहुत सारे, वो बाद में बात करेंगे, अभी उनके पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। वो पेरेंटिंग में क्या बोलते हैं दोस्तों, समझते हैं अभी। तो दोस्तों वो पेरेंटिंग में ये बोलते हैं कि बड़े बड़े बिलियनियर, अंबानी, रानी, इन सब के जो बेटे होते हैं, मतलब ये सब हैं कुछ और लोगों के बेटे, वैसे मोस्ट लैम्बोर्गिनी मेरे पास, वो गाड़ी है मेरे पास, iPhone 14 है मेरे पास, iPhone 21 है मेरे पास, जो लॉन्च नहीं हुआ है बोल रहा हूँ ठीक है, तो iPhone 21 है मेरे पास, ये सब चीज़ें जो मतलब उनको स्ट्रगल ही नहीं दिखाते कुछ लोग तो। पर उन्होंने ये बोला कि मैंने उसको सीधा लंबोर्गिनी iOS नहीं दे दी सीधा, मैंने उनको क्या करा, पहले एक साल का एम्प्लॉय रखा, सिंपल एम्प्लॉय, सेल्समैन, HR, अब उसके बाद मैनेजर हेड, सेक्रेटरी, असिस्टेंट, टेलीकॉलर, मैनेजर, सुप्रीम मैनेजर, उसके बाद CDO, CFO, COO, CEO, चेयरमैन, फिर इसके बाद वो अभी चेयरमैन बने हैं,
तो इतना उनको स्ट्रगल करा, फिर वो अभी उनकी नेटवर्क जो है अजीम प्रेम जी के आधे 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 और उससे भी ज़्यादा है। इसलिए वो ये बोलते हैं कि कोई भी अमीर आदमी हो, कोई भी अमीर बिजनेसमैन कुछ क्यों ही ना हो, पर उनको अपने बच्चे को इतना बड़ा नहीं देना चाहिए कि उनको लगे कि कुछ करने की ज़रूरत है। को करवाओ, पर ऐसा करवाओ कि उनको लगे ही ना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको लगे कि मुझे करने की ज़रूरत है लेकिन और मेहनत करनी है, जिससे कि उनके भी बिजनेस के जो माइंडसेट है वो क्रिएट होगा। तो उनके जो बेटे हैं अजीम प्रेम जी के बेटे, तो फिर वो भी ये बोलते हैं कि मुझे बचपन से ये सिखाया कि पावरफुल रहना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि मुझे तो सब आता है, नहीं ये सब नहीं करना। फिर उसके बाद उनकी कौन सी कंपनी, तो मैं आपको बता दूँ, तो पता है मैं भी पागल हो गया था उनकी कंपनी देखकर। जैसे टाटा है ना, उनकी आधी कंपनी है, टाटा की 100 कंपनीज है, उनकी 50 कंपनीज है। कौन से सेक्टर्स में, ऑयल सेक्टर, सोप सेक्टर, संतूर आपने सुना होगा, संतूर, लक्स, पियर्स, ये सब जो है ये उनकी कंपनी है। विप्रो की चिंता मत करो, आप ले सकते हो, अच्छी कंपनी है, अजीम प्रेम जी की कंपनी है वो विप्रो की। तो फिर विप्रो बेहतर तेल, साबुन पियर, संतूर, लक्स, और उसके बाद दूसरी कंपनी जैसे कि एसी। गर्मी लगती है ना, गर्मी अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, और गर्मी होती है जब एसी चाहिए होता है बहुत, तो फिर वो एसी में भी करते हैं। वो सारी ग्रॉसरीज जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, रोटी तो नहीं बिकती पर चावल हो गया, दाल हो गया, सारी मूंग दाल हो गई, ये सब जनरल आइटम वो बेचते हैं। जनरल आइटम, जनरल ग्रोसरी आइटम, जनरल थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ होती है मौसम के हिसाब से, वो सब चीज़ों में भी करते हैं। आइसक्रीम भी आती है उनकी, आइसक्रीम एक कंपनी को खरीद रखा है और फिर उसकी आइसक्रीम बेचते हैं, है ना। तो फिर ये सब में कंट्रीब्यूशन है, तो दोस्तों ये सब में कंट्रीब्यूशन है। और वो ये बोलते हैं कि एनी थिंग इज बिग बट डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड इन अ पीस वे। मतलब क्या होता है कि जो भी काम करते हो इतना बड़ा लगता है भाई साहब मैं कैसे करूँगा, पर जैसे कि 10 माले की बिल्डिंग, बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, तो बिल्डिंग में पहले ऐसा नहीं कि पूरा भरा बना, वैसे तो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है ये ढपा एक दिन में बन जाएगी बिल्डिंग, पर पहले की बिल्डिंग में क्या होता था, पहले पिलर बनाए, खड़ा करा, अब ये स्टोन ये दिखी होगी, ये प्लांटेशन बनाया नीचे का, ये क्लब हाउस बनाया, उसके बाद एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, ऐसे ही तो दुबई का वो बनाया, बोलते ब्रुज खलीफा वैसे ही तो बनाया उन्होंने कि इतना स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो बोलते कि स्टेप बाय स्टेप करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सब हो जाएगा। और फिर वो तीन चीज़ें बोलते हैं जो मैं भी मानता हूँ कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक एग्जांपल लेते हैं सचिन का, कि जब फाइनल टेस्ट मैच चल रहा था, जो सेकेंड T20 मैच में हमें विनर होने वाले थे, तो फिर कोई नहीं आया टीम में, सचिन तेंदुलकर आए और फिर उन्होंने गोल कीपर को जो बॉल पकड़ता है, अगर आपने देखा होगा तो उसको पीछे कर जाने को बोला, फिर वैसे ही वो कि चौका लगा ने कैच कर लिया आउट, फिर यदि कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो सब हो जाता है। और सबसे महान कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, वो वाले हैं। वैसे तो हम लोग भी अजीम प्रेम जी की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड क्या है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं मैं कर दिखा दूंगा, जैसे कि शेयर होल्डर की बताई मैंने, तो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं विप्रो बना के रहूँगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि नहीं मैं आ गया हूँ मुझे अभी यही बनाना है, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको मालूम है स्टेप बाय स्टेप जंपिंग स्टेज, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं,
कि मैं हूँ, मैं पहले 1 इंच का या फिर किसी ये पेड़ का लेते हैं, तो पेड़ पहले इधर बना और फिर वो धीरे धीरे बना, स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ रहे थे। उनकी लाइफ में जो भी डीप इंसल्ट हो गए उसको डीप डिप्रेशन नहीं क्रिएट करते, वो लोग डीप ट्रांसफॉर्मेशन, डीप पॉजिटिव पावर, डीप एंथुसियास्टिक करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आज के लिए इतना ही। अजीम प्रेम जी के लिए प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब बनना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरा वीडियो और कमेंट में बताइए और कौन से पावरफुल पर्सनैलिटी के ऊपर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।